केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए हैं, जिनमें से पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इसी कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। उसी के आधार पर 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके तहत ही मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2292 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है। आज के इस फैसले में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो DPI का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है, उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा वो, फिर एक तरीके से कितनी क्रॉप यील्ड है उसकी मॉडलिंग के लिए जो चाहिए डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे।